मॉम, क्या हमें हमेशा सच बोलना चाहिए? बिल्कुल, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अब अपनी माशा को ही ले लो, ढोलकपुर जंगल में। सुनिए कहानी ढोलकपुर जंगल की। ओके, हेलो बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूँ अनवी, और आज एक बार फिर मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए अच्छी वाली स्टोरी। ओके बच्चों, तो ढोलकपुर जंगल है, और वहाँ पर मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा मेला लगा हुआ है। और फिर ढोलकपुर जंगल के सभी जानवर, रुस्तम शेर, बग्गा हिरण, गज्जू हाथी, मोंटी बंदर, चंपा लोमड़ी और चंपू गधा, जितने भी हैं, कुकू कोयल, सब जो है मेला में बहुत तैयार व्यार होकर के जाते हैं। रुस्तम शेर अपने परिवार के साथ में जाता है, उसके परिवार में है रूपा शेरनी और चीका मीका, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं चीका और मीका। तो चीका और मीका दोनों जाते हैं, और उसकी मम्मा रहती हैं रूपा शेरनी और रुस्तम शेर, ये सब भी जाते हैं मेले में। चंपा लोमड़ी तो भाई इतना खुश है मेले में जा करके कि वो तो बस मेले में गई और वो खो गई मेले में। हर तरफ देख देख कर, कहीं झूला लगा हुआ है, कहीं खाने के बहुत सारे चीज़ें मिल रही हैं, तो चंपा लोमड़ी बस एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह अपनी फ़ोटो भी खिंचवा रही है और गोलगप्पे भी खा रही है। चंपा लोमड़ी ने खूब मज़े किए हैं। वहीं मोंटी बंदर बच्चों, वो एक तरफ से दूसरी तरफ से तीसरी तरफ, मतलब मेला, पहली बार मेला लगा है ढोलकपुर जंगल में, जिसे देखकर सब बहुत बहुत खुश हैं। और जो ढोलकपुर में मेला लगा है, वहाँ पर आसपास जो जंगल है उसके भी कुछ जानवर आए हैं। उनमें से एक होती है माशा लोमड़ी, माशा नाम की लोमड़ी है, वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ में आती है वहाँ ढोलकपुर जंगल में घूमने के लिए, देखने के लिए मेला। अब मेला ख़त्म होता है, सब अपने अपने घर जाते हैं। रुस्तम शेर भी निकलता है अपने बच्चों और रूपा शेरनी को लेकर के, और इधर माशा जो है होती है लोमड़ी, जो दूसरे जंगल की होती है लोमड़ी, वो भी अपनी सहेलियों के साथ निकलती है अपने घर जाने के लिए। रात बहुत हो चुकी थी, अंधेरा था पूरा। माशा और लोमड़ी अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी, और फिर अचानक से क्या होता है, माशा लोमड़ी अपनी सहेलियों से अलग हो जाती है। उसकी सहेलियाँ उसे बीच रास्ते में कहीं पर छोड़ देती हैं। अब माशा शेर जो लोमड़ी होती है वो इधर उधर परेशान होने लगती है, क्योंकि ढोलकपुर जंगल उसके लिए क्या था, एकदम नया था ढोलकपुर जंगल उसके लिए। अब वो क्या करे, परेशान हो रही थी माशा लोमड़ी, बहुत परेशान हो रही थी वो, कभी इधर हो रही थी कभी उधर हो रही थी, जाए कहाँ, कैसे वो अपने जंगल पहुँचे। तभी उसे वहाँ पर रुस्तम शेर आता हुआ दिखाई देता है। रुस्तम शेर साथ में रूपा शेर, साथ में चीका मीका, दो छोटे छोटे से बच्चे रुस्तम शेर के, इन सबको देख कर जो माशा लोमड़ी होती है बहुत डरने लगती है, उसको बहुत डर लगता है। वो सोचती है अब तो वो गई, अब तो वो बचेगी ही नहीं, रुस्तम शेर ढोलकपुर जंगल का राजा, और साथ में इतने सारे शेर भी आ रहे हैं, अब तो उसे पकड़ लेंगे। तो उसी डर से वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रुस्तम शेर उसे देख लेता है, और जैसे ही देखता है रुस्तम शेर उसको चाहता है और जल्दी से पकड़ लेता है। अब माशा लोमड़ी क्या करे, रुस्तम शेर ने तो उसे पकड़ लिया, माशा लोमड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फिर कहती है अब आपने तो मुझे पकड़ लिया है, तो मुझे तो यहाँ से भागने को अब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपसे सच बोलना चाहती हूँ, एक बात है जो मैं बोलना चाहती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ? ऐसे बोलती है रुस्तम शेर से। रुस्तम शेर कहता है ठीक है, बोलो क्या बात है। तो माशा शेरनी कहती है मैं यहाँ पर ढोलकपुर जंगल में नहीं हूँ, और मेरा जंगल दूसरा है, और वहाँ मैं अपने घर में अपने बच्चों को छोड़ कर आई हूँ। यहाँ पर मैं अपनी सहेलियों के साथ आई थी देखने के लिए मेला, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ मेला नहीं लगा था, ढोलकपुर जंगल में पहली बार मेला लगा, तो वही मेला मैं देखने आई थी कि कैसा होता है, और मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं आई थी। एक बार मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ, उनको अपने गले लगाना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे जाने देंगे? बस आप मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए, मैं वादा करती हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वापस यहीं पर आऊँगी आपसे, आपके पास में दोबारा। रुस्तम शेर कहता है अगर तुम नहीं आई तो, तुम अगर झूठ बोल रही हो तो, ऐसे करके बोलते हैं रुस्तम शेर उसको। लेकिन माशा लोमड़ी कहती है मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं एकदम आपसे सच बोल रही हूँ, मैं जाऊँगी अपने बच्चों से मिलकर, बस एक बार अपने बच्चों को देख लूँ, उसके बाद मैं वापस आपके पास आ जाऊँगी, उसके बाद आपको पकड़ना है, जो करना है आप वो कर लेना। रुस्तम शेर मान जाता है, रुस्तम शेर कहता है ठीक है, देखते हैं तुम वापस आती हो कि नहीं आती हो। और फिर रुस्तम शेर उसको बताता है कि वो बाहर कैसे निकलेगी ढोलकपुर जंगल के, और फिर जैसे बता देता है रुस्तम शेर, माशा लोमड़ी जल्दी से जाती है बाहर निकल करके
और फिर अपने घर पहुंचती है। वहां घर पहुंच करके अपने बच्चों से मिलती है, उनको खूब प्यार करती है, खूब गले लगाती है, उनको जल्दी जल्दी से खाना वाना खिलाती है। और फिर जैसा वो रुस्तम शेर से बोल करके आई थी कि वो वापस लौट कर आएगी, तो बस वो वापस आती है रुस्तम शेर के पास। उसके बच्चे रोकते हैं उसे कि नहीं माँ, अब मत जाओ, तुम तो अब आ गई हो ना, अब यहीं पे रहो। लेकिन जो माशा लोमड़ी होती है वो नहीं मानती, कहती नहीं, मैं बोल कर आई हूँ, मैं सच बोल कर आई हूँ, तभी रुस्तम शेर ने मुझे जाने दिया है और मुझे अब जाना ही होगा। फिर अपने बच्चों को खूब प्यार करती है और फिर वापस रुस्तम शेर के पास आ जाती है। इधर रुस्तम शेर और रूपा शेर ने आपस में बात करते हैं कि वो अब लौट कर नहीं आएगी, चलो हम लोग चलते हैं अपनी गुफा में। लेकिन रुस्तम शेर कहता है थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, शायद आ जाए। इतना ही वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी माशा लोमड़ी उनके पास आ जाती है। रुस्तम शेर जैसे ही माशा लोमड़ी को अपने सामने देखता है वो एकदम आश्चर्य से हो जाता है, उसको सरप्राइज हो जाता है, अरे ये क्या, तुम वापस आ गई, तुम गई नहीं, डर से तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। तो माशा लोमड़ी कहती है अगर आज मैं आपको आपसे झूठ बोल करके चली जाती तो अगली बार किसी को भी ज़रूरत होती तब आप उसे नहीं छोड़ते, तो इसलिए मैंने सच बोला आपसे कि मैं अपने बच्चों से एक बार मिलना चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे सच बोल करके गई। और मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि मैं वापस आऊँगी, इसीलिए मैं वापस आ गई आपके पास। उसका सच देखकर माशा लोमड़ी का, और इस तरह से जो माशा लोमड़ी ने बोला था सच रुस्तम शेर को, तो रुस्तम शेर को उस पर दया आ जाती है, वो उसको छोड़ देता है, कहता है कि आज तक मैंने किसी को नहीं देखा जो इस तरह से सच बोलकर जिसने अपना काम किया हो। और इस तरह से फिर रुस्तम शेर उसे कहता है कि तुम जाओ अपने बच्चों के साथ ही रहो, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। और फिर चीका मीका और रूपा शेर ने भी रुस्तम शेर की ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। और फिर जब माशा लोमड़ी वो रुस्तम शेर छोड़ देता है तब वो खुशी खुशी बहुत वो थैंक यू बोलती है रुस्तम शेर को और वो खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। तो इतनी बड़ी ताकत होती है बच्चों सच बोलने में, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों, सच हमें कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको छुपाना चाहिए या झूठ बोल करके अपनी बात करवा लेनी चाहिए, कभी नहीं, हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, सच। सच में क्या होती है, बहुत ताकत, सच में बहुत ताकत होती है। कैसे लगी कहानी आपको बताना जरूर, रिधांशा आपको तो अच्छी लगी होगी, बहुत। आपको समझ में आया कि हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, सच। और बच्चों आप सब भी बताना मुझे कि कैसी लगी, कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, बहुत सारा प्यार, बाय रिधांशा, बोलो बाय बाय।